इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और सर शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की मेरी जानकारी मिलती रहे। बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली टू नाको एपिसोड 4 और मैं इस समय सदा बाहर मस्त रोड पर अपनी यात्रा कर रहा हूं। और जैसे कि आप नज़ारे देख रहे हैं, आप लुत्फ़ उठाइए, देखिए प्राकृतिक के अद्भुत नज़ारे। और रोड बहुत ही मस्त बन चुकी है हिमाचल में, हिमाचल ही क्या सभी जगह आज रोड जो है पहाड़ों में बहुत बढ़िया बन चुके हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ अद्भुत है, जैसे कि रोड आप देख रहे हैं चौड़ी रोड में हम चल रहे हैं, बड़ी मस्त गाड़ी इसमें बहुत ही मस्त चलती है। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो FZS यामा है। ये जूरी मार्केट आ चुका है और यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो रही है, यानी कि जो बिल्डिंग के नीचे की जो दीवार हैं उनको तोड़ा जा रहा है और न्यू दीवार दिया जा रहा है ताकि बिल्डिंग खिसके ना। शायद यहाँ पर एक बिल्डिंग खिसक चुकी है तो इसी वजह से यहाँ पर जो है प्रशासन जाग चुका है और नया दीवार दिया जा रही है। तो यही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। चल भाई चल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आगे भी यही कार्य चल रहा है, JCB लगे पड़े हैं और न्यू कार यहाँ पर देखो बिल्डिंग के लिए खुदाई चल रही है। और रोड भी काफ़ी गीली हो रखी है यहाँ पे कि स्लिप ना मार दे। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3-4 मंजिल रेस्टोरेंट होटल बने हुए हैं। और फिर रुक गया भाई, चल भाई, अच्छा डंपर आ गया। और हिमाचल में आपको जो है हर कदम पर डंपर आपको मिलते रहेंगे क्योंकि रोड का कार्य यहाँ पर जारी है और एक से एक बेहतर रोड यहाँ पर बन चुकी हैं और आगे बन रही है। तो ये रोड शायद BRO का आता होगा, शायद BRO बना रही है या फिर PWD बना रही है। PWD का तो कोई मैंने बोर्ड यहाँ पर देखा नहीं अभी तक, शायद BRO ही बना रही होगी। चल भाई ये क्यों रुक जाता है बार बार। तो ये है दोस्तों यहाँ का जर्नी और चलते हैं आगे का फिर नज़ारा आपको देखते हैं। थोड़ा सा नज़ारा भी आप देख लीजिए म्यूजिक के साथ। सुंदर नज़ारा, हम जा रहे हैं कायदा स्पीति की ओर। तो हमने सोचा यार यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो बना लें और कुछ फोटोग्राफी कर लें। तो गाइज यहाँ तो नज़ारे ही नज़ारे, ब्यूटीफुल नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं एक बार घुमा के। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे खाइयाँ हैं और रोड कैसी हैं, आप देख सकते हैं इस बात को। मैंने बाइक वहाँ खड़ी कर रखी है और अब देख आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप लंबे पहाड़ हैं, चट्टान, सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये ऊपर पहाड़ी पर बर्फ़ जमी पड़ी है और अभी भी हम इस बर्फ़ में आगे जाना है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। वो सामने दूर आप देख सकते हैं पहाड़, आप देख सकते हैं देखो पहाड़ में कैसे कैसे घर बने हुए हैं। और तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि गाँव जो हैं ऊपर,
बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमारे जो दोस्त हैं वो भी फ़ोटो खींचने वीडियो में मस्त हैं, तो बहुत ही नज़ारा। और एक नीचे आपको देखता हूँ, नीचे जो नदी देख रहे हैं आप, ये है सतलुज नदी जो चाइना के इधर से आती है, काजा स्पीति की ओर से आती है। और तो इस नदी में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर डैम बना रखे हैं, तो जहाँ से बिजली पैदा होती है जगह जगह आगे, और बहुत सारे इसमें डैम हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे की ट्रिप में। तो गाइज यह है यहाँ का नज़ारा, बड़े मस्त नज़ारा। और रोड देखिए आप चकाचक, हिमाचल में हर जगह रोड बिल्कुल मस्त रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना एक बाइक का थोड़ा लुक दिखाता हूँ। और एक हमारे भाई साहब हैं महेंद्र सिंह जी, वो भी अपने घर में वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। Hello. सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है सब, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको? फुल मज़ा आ रहा है जिंदगी का। तो ये मेरे साथ हैं और गाड़ी में देखो सामान एकदम बहुत, गाड़ी गलती कर दी हमने कि लंबे सफ़र में ज़्यादा सामान लेके नहीं आना चाहिए था, पर ये सारा सामान जो है मेरे काम की चीज़ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पानी की बोतल हो गया, ग्लव्स हो गए, बिस्तरा हो गया, ये सब चीज़ हमको लाना पड़ता है। एक्चुअली में ये होटल बहुत महंगे हैं यहाँ पर, और होटल में रह सकते हैं, पर ये मत समझना कि ये अपना पैसा कंजूसी कर रहे हैं। हमें अपना कैंपिंग में रहना बहुत शौक़ है, तो हमें भी कुछ दिन, हमने सोचा कुछ टाइम अपना कैंपिंग में बिताएंगे और देखते हैं। तो ये है गाइस यहाँ का नज़ारा। इस रोड पर थोड़ा सा खड्डे लग रहे हैं और थोड़ा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखो फिर ये गड्ढे आ रहे हैं, अचानक उसमें पहिया निकल जा रहा है तो थोड़ा सा झटका लग रहा है। वैसे इस गाड़ी में झटके कम लगते हैं, पर जब ज़्यादा बड़ा गड्ढा ही होता है तभी जाके जरा महसूस होता है। चलो गड्ढे वाला एरिया निकल चुका है, चलते हैं। रोड तो बहुत अच्छी आ चुकी है, पर अब कुछ बर्फीली हवाएं चलने लग गई और अंदर कुछ ठंड सी महसूस हुई है, क्योंकि हमने कुछ कपड़े तो पहन के, गर्म कपड़े कम पहन रखे हैं। तो अब हमें कल्पा-प्योंग पे जाकर रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, और गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे अंदर से, तभी हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलते हैं। गाइस कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और सर शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।